जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन चल रही है, तो हमें जो रिकॉर्डिंग जो है पेनड्राइव में बैकअप कैसे लेनी है वो हम आपको बता रहे हैं। तो पहले बैकअप लेने के लिए हमें पेनड्राइव DVR में लगानी पड़ेगी। उसके बाद हम DVR में माउस जो है स्क्रीन जहाँ लगी है उसका ऑपरेट करेंगे और मेन मेनू में जाएंगे और बैकअप में जाएंगे हम। तो C++ और धोवा के जितने भी DVR है उन सब में अलग अलग तरह से व्यू रहता है, लेकिन बैकअप की ऑप्शन सभी में है तो आपको बैकअप में जाना पड़ेगा। और उसके बाद यहाँ पे पेन ड्राइव दिखा रहा है, तो इसका मतलब है अभी पेन ड्राइव लगी है हमारी, किंगस्टन कंपनी की 16 GB की पेन ड्राइव इसमें लगाई है हमने। और अगर पेन ड्राइव लगी है तभी बैकअप होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इसके बाद ही बैकअप पे क्लिक हो रहा है। तो जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन आ रही है रिकॉर्ड टाइप, इसे ऑल ही रहने देंगे क्योंकि हमें हर तरह की रिकॉर्डिंग चाहिए। और रीड राइट तो चलो रहेगा ही क्योंकि जो फाइल होगी उसको हम जो है प्रॉपरली यूज कर सकेंगे। यहाँ पे आ गया कैमरा नंबर, चैनल का मतलब है कैमरा नंबर। तो यहाँ के लिए फिलहाल जो हमारा एग्जाम रूम है वो 3 नंबर है, इसलिए हम 3 कर रहे हैं। जो जो भी कैमरे की आपको रिकॉर्डिंग चाहिए वो चैनल नंबर उसका कैमरा नंबर यहीं से सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे स्टार्ट डे डालेंगे। तो यहाँ पे हमने जो स्टार्ट डेट, जिस डेट की हमारे को रिकॉर्डिंग चाहिए वो डेट सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि कल की रिकॉर्डिंग चाहिए तो हमें 6 तारीख डालनी पड़ेगी, आज शायद 7 है, और नीचे भी अभी 6 तारीख की डालनी पड़ेगी। हमारे को 6 तारीख से 6 तारीख तक की रिकॉर्डिंग चाहिए। और जैसा कि अगर हमारा सुबह 9 बजे से लेकर अगर हमें 12 बजे तक की चाहिए तो हम इस तरह से टाइम डालेंगे, 9 AM to 12:00। अगर हमारे को 5 मिनट एक्स्ट्रा चाहिए तो हम 5 भी कर सकते हैं, अगर हमें सेकंड भी पूरे चाहिए तो 0 करेंगे, और AM to PM। तो इस तरह से हमारा जो है, अगर हमारा AM to AM है, अगर जैसे 9 बजे से 10 बजे तक होगी तो AM PM रहेगा, 12 बजे के बाद जो है PM हो जाता है, इसलिए हमने यहाँ पे AM PM किया है। अगर आपका जिस टाइप से आपको रिकॉर्डिंग चाहिए, जिस टाइम की चाहिए, उस हिसाब से आप करेंगे सिलेक्ट। तो जैसा कि हमने टाइमिंग यहाँ पे डाल दिया है, स्टार्ट टाइम एंड टाइम सेम डेट, और टाइमिंग 9 बजे से 12 बजे तक, और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे ऐड। तो ऐड करने पर होगा क्या, अभी जो टाइमिंग हमारे को रिकॉर्डिंग चाहिए वो यहाँ पे ऐड हो जाएगी। तो यहाँ 9 बजे से 10 बजे तक ये टाइमिंग दिखा रहा है, 6 तारीख 9 AM to 10 AM, इतने GB, 10 AM to 11, इतने GB, ये पूरी टाइम और फाइल का जो साइज है वो बता रहा है। और नीचे लिखा हुआ है 12 से 12:05, 5 मिनट की अलग से इसने हमें दिखाई है। तो इस तरह से हमारे पास 4 फाइलें आ चुकी है। अगर हमारे को किसी और कैमरे की भी चाहिए साथ ही, तो हम क्या करेंगे, ये ऐड करने के बाद नेक्स्ट दोबारा हम दूसरे कैमरे पे जाएंगे, जो भी कैमरे की रिकॉर्डिंग हमारे पे चाहिए उसका टाइम डालेंगे। अगर अलग टाइम की चाहिए तब भी चल पड़ेगा, यहाँ से टाइम चेंज करेंगे और ऐड करेंगे। तो उस कैमरे की भी यहाँ पे फाइलें ऐड हो जाएंगी। तो इस तरह से जो है मल्टीपल कैमरे की जो है, मतलब हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग जो है ऐड करेंगे। बट हमारे को जो है उस कैमरे की नहीं चाहिए तो हम यहाँ से रिमूव कर रहे हैं, हमारे को सिर्फ कैमरा नंबर 3 ही चाहिए। तो इस तरह से हम जो फाइलें ऐड करते हैं उनको हम सेलेक्ट करके यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। और फिलहाल हमने सिर्फ कैमरा नंबर 3 का जो टाइम डाला ऐड किया है, और यहाँ पे बता रहा है भी इतने GB जो है रिक्वायर्ड है, मतलब इन फाइलों का टोटल साइज जो है 4.65 तक बता रहा है, और टोटल अभी जो है इसमें इतना है। और ध्यान रखें बैकअप जो है फॉर्मेट हमें EVI करना पड़ेगा ताकि कंप्यूटर में हम इसको प्ले कर सकें या मोबाइल पे। तो अगर हम S.264 करेंगे तो वैसे तो इसका प्लेयर इसके साथ ही आ जाएगा पेनड्राइव में अगर इस पे क्लिक करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं भी हम इस फाइल को इजीली प्ले कर सकें कंप्यूटर में, इसलिए हम इसको AVI करेंगे। ध्यान रखें इसका बैकअप फॉर्मेट EVI करना पड़ेगा। और स्टार्ट करेंगे तो ये बैकअप प्रोसेस जो है हमारा स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे बता रहा है ये, मतलब 3 घंटे की रिकॉर्डिंग हमें कॉपी करने के लिए लगभग 15 मिनट लगते हैं। तो ये बैकअप कर रहा है और तब तक हम वेट करते हैं और फिर इसको कंप्यूटर पर प्ले करके देखेंगे।